ये कौन है? डॉली चाय वाला, व्हाइट कलर की रेत देख रहे हो कैसे खींच रहे हैं एक दूसरे को, राफ्टिंग हो रही है। देखिए कितना खतरनाक है, इससे ना आगे से राफ्टिंग नहीं होती क्योंकि यार आप पलटने का डर रहता है, बहुत खतरनाक पॉइंट। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। दोस्तों अभी मैं हूँ ऋषिकेश में और इस वीडियो में हम जाने वाले हैं ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर। और इस वीडियो में ना मैं आपको पूरा रास्ता दिखाने वाला हूँ कि आप ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर कैसे जा सकते हो, और वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं, तो वीडियो पूरी देखना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं अभी रुका हूँ दोस्तों एक ब्यूटीफुल सी लोकेशन पे, देख रहे हैं वो सामने प्री वेडिंग शूट हो रहा है और नीचे गंगा मियाँ बह रही है, हर हर गंगे, और वहाँ पे राफ्टिंग हो रही है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं शुरू से, जानकी सेतु से। हर हर महादेव। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं जानकी सेतु, बहुत ही प्यारा सा मौसम हो रखा है और हवा चल रही है ठंडी ठंडी, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। और नीचे बह रही है गंगा मैया, हर हर गंगे। और हमने कर लिया है दोस्तों जानकी झूला पार, सामने है वीर बजरंग बली, जय संकट मोचन हनुमान जी की। और दोस्तों आपको यहाँ से लेफ्ट लेना है, सामने चला जाता है भूतनाथ मंदिर, हमें लेफ्ट लेना है जानकी सेतु से। कुत्ते पीछे पतंगी पड़ते हैं मेरे। गाइस मेरे राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो ये है परमार्थ निकेतन मंदिर, और सामने भोलेनाथ जी की मूर्ति, हर हर महादेव। गाइस ये पूरी मार्केट है यहाँ पे। दोस्तों सामने है राम झूला, हम पहुंच चुके हैं दोस्तों राम झूला, यहाँ से एंट्री है राम झूले की। ये कौन है? डोली चाय वाला। दोस्तों ये रास्ता में बहुत अच्छा लगता है, देख रहे हो साइड में, आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ मैं। ये रास्ता मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है, उधर गंगा मियाँ बह रही है और इधर देखो व्हाइट कलर की रेत, इतनी ऑसम लग रही है, ब्यूटीफुल। ऐसे ये रास्ता है, ज्यादा भीड़ भी नहीं है इस पे। यहाँ से थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ, अभी लक्ष्मण झूला किधर से, नीलकंठ चला जाएगा ना आगे। ठीक, धन्यवाद। इतना अच्छा मंदिर है दोस्तों, ये है दोस्तों वैदिक धाम। कृष्णा हरे हरे। हम पहुंचने वाले हैं लक्ष्मण झूला, और लक्ष्मण झूले के बराबर में बन रहा है कांच का पुल। तो गाइस पहुंच चुके हैं लक्ष्मण झूला और ये कांच का पुल बन रहा है, फाउंडेशन बन रही है अभी। और ये है सामने लक्ष्मण झूला जो अभी बंद किया हुआ है क्योंकि साइड में बन रहा है कांच का पुल। तो बहुत जल्दी दोस्तों कांच का पुल बनने वाला है लक्ष्मण झूले के जस्ट बराबर में। अब सोचो कि हम ऊपर से चल रहे हैं और नीचे पूरी गंगा मैया दिख रही है, अलग ही नज़ारे होने वाले हैं दोस्तों ऋषिकेश में। दोस्तों अगर आप अपनी बाइक से आ रहे हो तो मैं रेकमेंड करूंगा आपको ये वाला रास्ता, क्योंकि इस पर आपको राम झूला देखने को मिल सकता है, लक्ष्मण झूला देखने को मिल सकता है। और अगर अपनी कार से आ रहे हो ना, इसी रास्ते की ये पैरेलल रास्ता ऊपर से जा रहा है, ये पूरा बाईपास है। अगर आप अपनी कार से आ रहे हो तो आपको वहाँ से आना पड़ेगा, यहाँ से है पूरी खुली रोड। अच्छा लग रहा है दोस्तों, गोवा बीच जैसी लग रही है सेम टू सेम, और पानी देख रहे हो कितना साफ है गंगा मैया का। दोस्तों ये क्या हो रहा है, ये ट्रेनिंग चल रही है क्या किसी की, देख रहे हो कैसे खींच रहे हैं एक दूसरे को। दोस्तों ये जो रास्ता पैडलर चल रहा था ना, वो यहाँ आके मिल जाता है, और यहाँ से नीलकंठ महादेव मंदिर रह गया है 19 किलोमीटर। यहाँ से हम आगे पहुँचने वाले हैं गरुड़ चट्टी। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं गरुड़ चट्टी, गरुड़ चट्टी से 17 किलोमीटर रह जाता है नीलकंठ महादेव मंदिर। दोस्तों ये रास्ता बहुत सही लगता है मुझे, देखो ये सड़क जा रही है, उधर से हाईवे जा रहा है, और ये गंगा बह रही है, और यहाँ से आप देख सकते हो राफ्टिंग होते हुए। दोस्तों देखो राफ्टिंग हो रही है,
काफी दूर तक ना गंगा मैया साथ साथ बहती रहती है। देखो अब बीच बीच में थोड़ा सा रास्ता खराब है, बाकी सही बना हुआ है रास्ता। दोस्तों यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर रह गया मंदिर, और यहाँ के बाद ना हमें गंगा मैया के दर्शन नहीं होंगे क्योंकि गंगा मैया उस साइड चल जाती है और हमें इस साइड जाना है। और दोस्तों वो वाला पॉइंट देखिए कितना खतरनाक है, इससे ना आगे से राफ्टिंग नहीं होती क्योंकि यहाँ राफ्ट पलटने का डर रहता है, बहुत खतरनाक पॉइंट है। और राफ्टिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, इससे आगे से देख रहे हो कितना तेज पानी है। तो अभी हम रुके हैं यमकेश्वर महादेव मंदिर के मेन गेट पे, और यहाँ से नीलकंठ मंदिर रहता है 5 किलोमीटर, और वो सामने है दोस्तों यमकेश्वर महादेव जी का मंदिर, ये सामने। और यहाँ से ऐसे यूँ ट्रैकिंग करके जाना होता है, बहुत अच्छा मंदिर है, अगर टाइम मिला तो वापसी में आते हुए आएंगे। और ये खड़ी है अपनी FG। दोस्तों मैंने की रिंग लिया था, केदारनाथ मंदिर बना है इस पर, हर हर महादेव। आप यहाँ से प्रसाद भी ले सकते हो। यहाँ से दोस्तों झिलमिल गुफा है, पार्वती मंदिर जाने के लिए आपको राइट लेना है, नीलकंठ महादेव मंदिर सीधा। सो दोस्तों अगर जल्दी दर्शन हो गए तो झिलमिल गुफा भी जाएंगे, पार्वती मंदिर भी जाएंगे, मैंने सुना है वहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है। अभी देखते हैं बाइक कहाँ तक जा सकती है, वहाँ तक लेके जाएंगे, उसके बाद पार्क कर देंगे। पार्क में फ्री आगे, अच्छा यहाँ से कितनी दूर है भैया मंदिर? 100 मीटर। गाइस पार्किंग में लगा देते हैं, रिस्क नहीं लेते। दोस्तों पहुंच चुके हैं नीलकंठ महादेव मंदिर, और बाइक हमने पार्क कर दी यहाँ पे। यहाँ पे वैसे पार्किंग फ्री है, बस आपको प्रसाद लेना पड़ेगा यहाँ से। दोस्तों ने प्रसाद ले लिया, प्रसाद में है गंगा जल है, ये गुलाब जल है, और ये प्रसाद है, और फूल है, और एक आपका धूप है, और ये नाग नागिन का जोड़ा है, और इस पर लिखा है कि ये काल सर्प दोष निवारण हेतु उपयोगी होता है, और ये वाइट कलर का जनेऊ है और धागा है, और मंदिर आने वाला है, बहुत अच्छा लग रहा है, हर हर महादेव। गाइस पहुंच चुके हैं मंदिर, हमने यहाँ पे जूते निकाल दिए, और यहाँ से थोड़ी दूर रहता है मंदिर, मंदिर मार्ग। हर हर महादेव, और ये मेन गेट है, मुख्य प्रवेश द्वार, हर हर महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों ये नीलकंठ मंदिर का मेन गर्भगृह है, यहाँ दर्शन करने के बाद आपको अखंड धुना के दर्शन करने, और इस प्रकार से सीढ़ियों से आपको नीचे जाना है, और ये पूरी स्टैचू बनाई हुई है, जब समुद्र मंथन हुआ था विष निकला था जो भोलेनाथ जी ने किया था। और दोस्तों ये सामने है सिद्ध समाधि मंदिर, श्री नीलकंठ महादेव मंदिर के प्रथम पुजारी परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री लक्ष्मण भारती जी महाराज जी की सिद्ध समाधि है। यहाँ पे भी शिवलिंग है, यहाँ पे भी हमने जल चढ़ाया अभी, और इसके बाद आपको जो धूप मिलती है प्रसाद में वो धूप यहाँ पे लगानी होती है। और तो सामने प्यारा सा मंदिर नीलकंठ महादेव जी का, हर हर महादेव। दोस्तों अगर आपको ऋषिकेश पैदल जाना है, पैदल मार्ग भी है, 14 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से ऋषिकेश, ये सीधा रास्ता ऋषिकेश जा रहा है। गाइस आज शुक्रवार है, और शुक्रवार को भी देखिए कितनी भीड़ है, कितनी लाइनें लगी हुई हैं। अभी आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हो, और अगर आपको स्नान करना है तो आप स्नान भी कर सकते हो। दोस्तों नीलकंठ महादेव जी के इतिहास लिखा हुआ है, श्रुति स्मृति पुराण के अनुसार देव व दानवों द्वारा समुद्र मंथन में निकले 14 रत्नों में से एक कालकूट विष का विषपान भगवान शंकर द्वारा किया गया था, जिसकी ज्वलनता को शांत करने के लिए भगवान शंकर ने
पंकजा और मधुमती नदी के संगम समीप पंचपणी नामक वृक्ष के नीचे समाधिस्थ होकर 60,000 वर्षों तक तप किया तथा कैलाश लौटने से पूर्व भगवान शिव द्वारा कंठ के रूप में जन कल्याणार्थ शिवलिंग स्थापित किया गया। वर्तमान समय में मंदिर में उपस्थित लिंग शिव जी द्वारा स्थापित किया गया स्वयं भूलिंग है। हर हर महादेव। और दोस्तों यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है जो आसपास निकटतम दर्शनीय स्थल हैं, यमकेश्वर मंदिर है 29 किलोमीटर है, शत्रुघ्न मंदिर है, ज्वालपा देवी मंदिर है, कवाश्रम और तारकेश्वर मंदिर, आप यहाँ भी जा सकते हो। दोस्तों हम ले रहे हैं एक शिवलिंग और एक नंदी भगवान। ये कौन सी धातु है भैया? अच्छा मरकरी पारा। ये क्या रेट है? 20 रुपीज़ पर ग्राम। तुमने भैया से एक शिवलिंग लिया है और एक नंदी भगवान जी लिए। भैया का नाम भी अनुज है। आपकी शॉप का क्या नाम है भैया? विश्कंठ रतन। तो कैसे आप यहाँ सकते हो, यहाँ पे मरकरी के शिवलिंग भी मिल सकते हैं आपको। और ये कौन सी धातु थी भैया? मरकरी पारा। अच्छा ये मरकरी पारा है और ये स्पाइटिक। केदारनाथ बद्रीनाथ में जो ऑक्सीजन नहीं आती ना, हाँ हाँ, वहाँ से बर्फ की। अच्छा ठीक है भैया, थैंक यू। दोस्तों बाहर आ गए और अगर आपको पैदल पार्वती मंदिर जाना है तो ये सीधा रास्ता जा रहा है, और अगर बाइक से जाना है तो वापस जाके दूसरा रास्ता है। गाइस ये देखो कितनी मेहनत का और रिस्क का काम कर रहे हैं। दोस्तों हमने नीलकंठ मंदिर के दर्शन कर लिए, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत सुकून मिला दोस्तों, और हमने अपनी बाइक भी पार्किंग से उठा ली है। अभी हम जा रहे हैं पार्वती माता मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर है दोस्तों। यहाँ से नीलकंठ से लगभग 4 किलोमीटर दूर है, और ये वाली वीडियो मैं अगले पार्ट में डाल दूंगा, ठीक है। सो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। हर हर महादेव।